झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है जमशेदपुर से। सीजीपीसी का बड़ा फैसला, किसान आंदोलन का विरोध करने पर होगी कार्रवाई। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक ने बड़ा फैसला लिया है। बीते दिनों सीजीपीसी ने अपने सांचकी स्थित कार्यालय में प्रधान महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोई भी सिख किसी भी राजनीतिक पार्टी या सामाजिक संगठन में रह सकता है। इसमें सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पिछले 42 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन का विरोध किया तो सीजीपीसी कार्रवाई करेगा। मौसम तेजी से ले रहा है करवट, जानिए अगले 7 दिन का पूर्व अनुमान। मौसम लगातार बदल रहा है। शुक्रवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, वहीं न्यूनतम व अधिकतम तापमान में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री व अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह खबर है जमशेदपुर से। कांग्रेस ने रखी बंद एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन चालू करने की मांग, सौंपा ज्ञापन। टाल्टू चक्रवर्ती के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के DRM के नाम मांग पत्र घाटशिला स्टेशन मास्टर के माध्यम से सौंपा। इसमें सभी सुपर फास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन व CQV डिवीजन से खड़गपुर डिवीजन तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को शुरू करने की मांग की गई है। जनहित को ध्यान में रखते हुए अविलंब ट्रेन के परिचालन की मांग की गई है। एक से अधिक शादियां की हैं तो आप हो जाएं सतर्क, क्योंकि JPSC परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। यह खबर है रांची से। झारखंड संयुक्त लोक सेवा परीक्षा नियमावली 2021 के प्रावधानों से संबंधित गजट का प्रकाशन शीघ्र ही कर लिया जाएगा। कई क्षेत्रों में नियमों को सख्त बनाया गया है तो कई मामलों में अभ्यर्थियों को यथोचित लाभ सुनिश्चित करने का प्रबंध भी किया गया है। JPSC के माध्यम से 15 तरह के सेवाओं की परीक्षा के लिए हर वर्ष परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है और परीक्षा को उक्त वर्ष के नाम से ही जाना जाएगा। सरकार ने तय किया है कि 2 या अधिक शादियां करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि राज्य परिस्थितियों के आधार पर इजाजत प्रदान कर दें तो ऐसे लोगों को अनुमति दी जा सकती है। सरकारी सेवा में 3 वर्ष गुजार चुके लोगों को उम्र सीमा में 5 वर्ष का लाभ देने का निर्णय भी लिया गया है। 10 से 25 लाख के इनामी नक्सलियों का फोटो जारी, चतरा SP बोले संगठन को खत्म करने के लिए उठाए जाएंगे कड़े कदम। झारखंड व चतरा पुलिस प्रतिबंधित नक्सली संगठन TSPC के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। संगठन को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में 10 से 25 लाख के इनामी नक्सलियों का पुलिस ने पोस्टर भी जारी किया है। चतरा SP ऋषभ कुमार झा ने कहा है कि चारों नक्सलियों की तस्वीर सार्वजनिक स्थलों पर भी चिपकाया जाएगा, वहीं जानकारी देने वाले के नाम गुप्त रखे जाएंगे। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के इस बार आए 19,500 आवेदन, लेकिन इतने आवेदन पाए गए फर्जी। वर्ष 2020-21 के दौरान भी अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाले की तैयारी थी। इस वर्ष विभिन्न स्कूलों के नाम पर 19,500 छात्रों ने इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है। पूर्व मंत्री नीरा यादव ने कहा, हेमंत है तो अपराधियों को हिम्मत है। BJP के विधायक सब पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। शुक्रवार को BJP प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के एक साल के कार्यकाल में महिला उत्पीड़न, बाल शोषण और अपराध की घटनाएं बढ़ी है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। नीरा यादव ने कहा है कि हेमंत सरकार में अपराधियों को खौफ तरीके से अपराध करने का हिम्मत है, क्योंकि वे जानते हैं कि हेमंत है तो उनके कुछ नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार, नौकरी, स्थानीयकरण करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब वे छला हुआ महसूस कर रहे हैं। अब खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। बाबा लखा सिंह जिनके फार्मूले पर किसानों और सरकार में बन सकती है बात। कृषि कानूनों के मसले पर किसानों का आंदोलन पिछले सवा महीने से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है। शुक्रवार को किसानों और सरकार के बीच एक और दौर की बातचीत होनी है। किसानों को कहना है कि वो कानून वापस होने तक नहीं हटेंगे। इस विवाद के बीच को कृषि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नानकसर गुरुद्वार के प्रमुख बाबा लखा सिंह से मुलाकात की। बाबा लखा सिंह ने इस दौरान किसानों के आंदोलन का मुद्दा कृषि मंत्री के सामने उठाया, साथ ही दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने की पेशकश की। इतिहास में पहली बार भारत की बेटियों ने रचा ऐसा इतिहास जिसे जान गर्व से चौड़ा हो जाएगा सभी का सीना।
भारत की बेटियां और महिलाएं आज किसी से भी कम नहीं है, पुरुषों से पीछे नहीं है। वो हर फील्ड में अपनी सफलता का परचम लहरा रही है, फिर चाहे खेल का मैदान हो या फिर सेना, वो हर जगह अपनी छाप छोड़ रही है। मुंबई से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो नारी शक्ति के जज्बे को सलाम करने के लिए मजबूर करती है। यहाँ इतिहास में पहली बार एक पूरी मालगाड़ी का परिचालन सिर्फ महिलाएं द्वारा किया गया। वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, 5 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल। लगातार 2 दिनों तक पेट्रोल की डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब राहत की सांस है। कल शुक्रवार 8 जनवरी ईंधन के दाम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि पेट्रोल की कीमतें 5 रुपए प्रति लीटर कम हो सकती है। अमेरिका में जो घटना आज हो रही है, भारत ने उसे 1975 में ही देखा था, इंदिरा गांधी की हार के बाद। 6 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ समर्थक जबरन अमेरिकी संसद में जबरन घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना की वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। भारत में भी दिन भर में यह मामला छाया रहा। हालांकि भारत के लिए ये कोई नया नहीं है, भारत इस घटना को 46 साल पहले यानी 1975 में ही देख चुका है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पराजय के बाद। सजा कम कर रिहा कर दिया गया अबू बसीर। 200 लोगों को उड़ाने वाले बम धमाके का मास्टरमाइंड खुद को शिक्षक बताता है आतंकी। इंडोनेशिया ने कल शुक्रवार को आतंकी अबू बकर बशीर को जेल से रिहा कर दिया। साल 2002 में इंडोनेशिया के बाली में नाइट क्लब में हुए धमाके का वह मास्टरमाइंड था। 2 दशक पहले हुए इस हमले में कई विदेशी समेत 200 लोगों की मौत हो गई थी। फ्रांस ने भारत के साथ निभाई मित्रता, सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर दिया भारत का साथ, फेल हो गई चीन की साजिश। फ्रांस ने एक बार फिर भारत के साथ मित्रता निभाई है। कश्मीर मुद्दे पर फ्रांस ने भारत का समर्थन करते हुए चीन को तगड़ा झटका दिया, साथ ही ड्रैगन को जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की कूटनीतिक सलाहकार ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि फ्रांस कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन कर रहा है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को कोई प्रतिक्रिया करके खेलने की अनुमति नहीं दी। आपको बता दें कि फ्रांस और भारत के बीच रणनीतिक वार्षिक संवाद के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति के सलाहकार इमैनुएल बोन भारत दौरे पर आए हुए हैं। भारत ने दी चीन को घातक चेतावनी, अग्नि मिसाइल को चीन सीमा पर तैनात करने की प्रक्रिया हुई तेज। कहते हैं जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, परंतु चीन वो बला है कि वह शैतान के राजपाट पर भी कब्जा जमा के कर देता है कि यह इलाका हमारा है। एक तरफ जहां चीन ने जापान को पहले से अधिक आक्रामक होने की ओर विवश किया, तो उसकी हेकड़ी के कारण अब भारत में अन्य विकल्प साधने भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें अब प्रमुख है चीन तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों को तैयार करना। चौंकिए नहीं, भारत का इरादा चीन को एक स्पष्ट संदेश देने का है, हमसे टकराने की सोचना भी नहीं वरना बर्बाद हो जाओगे। इसी दिशा में भारत ने अपने घातक मिसाइलों से एक अग्नि 5 के प्रक्षेपण को फास्ट ट्रैक करने का निर्णय लिया है। सीएम योगी के विशेष वरासत अभियान की वजह से मात्र 24 दिनों में 2 लाख से ज्यादा मामलों का हुआ निस्तारण। राज्य में भूमि विवादों को लेकर जड़ से खत्म करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर शुरू हुए विशेष वरासत अभियान को ग्रामीण क्षेत्र में जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि गत 15 दिसंबर से आपकी जमीन आपका अधिकार, सबको मिले अपना उत्तराधिकार के संकल्प से शुरू हुए विशेष वरासत अभियान के तहत मात्र 24 दिनों में ही राजस्व विभाग ने वरासत से संबंधित 2,16,000 आवेदकों का निस्तारण कर दिया है। अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी शुरू, रामनगरी को सजाने का काम इस संस्थान के हाथ। सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला आने के बाद से यहां मंदिर निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करने के बाद इसके काम में ज्यादा तेजी देखी जा रही है। राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ ही योगी सरकार के प्रयासों से अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में जोर पकड़ ली है। कंगना रनौत का सुप्रीम कोर्ट से सवाल, क्या ये मध्य युग है जहां महिलाओं को जलाया जाता है?
एक्ट्रेस कंगना रनौत के लिए शुक्रवार का दिन काफी परेशानियों वाला रहा। वांद्रा पुलिस स्टेशन में पेशी होने के बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो के जरिए एक्ट्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछा है। कंगना इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि उन्हें अपने विचार रखने का भी मौका नहीं मिल रहा है। केरल के राज्यपाल ने नए कृषि कानूनों को निंदा, कहा कारपोरेटर का पहुंचाएगा फायदा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में अपने अभिभाषण में केंद्र की ओर से पारित विवादित कृषि कानूनों की शुक्रवार को निंदा की। राज्यपाल ने कहा कि इन नए कानूनों से नियंत्रित बाजारों का महत्व तो कम होगा और कारपोरेट घरानों को फायदा पहुँचेगा। बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री तोमर, किसान नेता नहीं दे पाए कोई विकल्प। किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को हुई आठवें दौर की वार्ता में बेनतीजा रही। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान नेता कोई विकल्प नहीं दे पाए, ऐसे में अब 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी। इससे पहले 30 दिसंबर को हुई बैठक में केंद्र ने किसानों की ओर से उठाए गए चार मुद्दों में से दो पर रजामंदी जताई थी। किसानों को तोहफा, पीएम किसान स्कीम को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेगी, इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में किसानों की तरफ सरकार का पूरा फोकस है। 3 कृषि कानूनों के चलते दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन के बीच बजट में सरकार किसानों के हित में बड़ी घोषणाएं कर सकती है। सरकार और किसानों की नाकाम वार्ता पर राहुल गांधी का तंज, कहा नियत साफ नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से जारी रहा। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन उनका कोई ठोस परिणाम अब तक नहीं निकल सका है। ऐसा ही कुछ आज की बैठक हुई, जिसके बाद वार्ता की अगली तारीख तय कर ली गई। इसी को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर तंज कसा। पर खेल जगत से, टीम इंडिया छोड़ सकती है चौथा टेस्ट। बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भेजा ईमेल। टीम इंडिया को अगर एक बार और सख्त क्वारंटीन नियमों का गुजरना पड़ता है तो चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के लिए ब्रिस्बेन नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने कथित तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस बारे में बता दिया है। वेबसाइट ESPN क्रिकेट इंफो के रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने गुरुवार को सीए से हुई हालिया संवाद में इस बारे में बता दिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।